जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आज विकाश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष 2022 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है प्रभु से कि 2022 की ये सुबह, ये दिन और ये हर पल, इस समय से लेकर आगे का आने वाला हर पल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, हर्षोल्लास लाए, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी इच्छा के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चतुर्दशी के दिन से ये साल शुरू हो रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पौष मास की ये चतुर्दशी बहुत ही विशेष है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा के साथ ये दिन सभी बड़े प्रेम और उल्लास के साथ प्रारंभ करें और अपने इस समय को, इस दिन को शुभ समय बनाकर अपने इस नववर्ष की शुरुआत करें। तो देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी त्यौहार के लिए शुभ तिथि, वार, दिन बहुत ही खास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कृष्ण चतुर्दशी की संपूर्ण जानकारी से पहले आप जान लीजिए कि इस साल की पहली कृष्ण चतुर्दशी कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी, और साल का प्रारंभ हो रहा है शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन भगवान शिव का पूजन विशेष आपके लिए फलदायक सिद्ध हो सकता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी लग रही है 1 जनवरी 2022 को सुबह 7:16 से लेकर 1 जनवरी की मध्य रात्रि अर्थात 12 के बाद 2 तारीख लग जाएगी। तो इस हिसाब से 2 जनवरी की मध्य रात्रि अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3:41 तक रहेगी चतुर्दशी तिथि। 1 जनवरी का पूरा दिन चतुर्दशी तिथि रहेगा और इस समय में आप भगवान शिव का पूजन करें। जिनकी कुंडली में शनि की साजेसाथी चल रही है या जिनकी कुंडली में शनि देव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वे भी इस दिन भगवान शिव का पूजन करें, शनि देव का पूजन करें, उनका मंत्र जाप करें। बीज मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति की कामना करें, प्रार्थना करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जानकारी, इसका महत्व क्या है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी तिथि को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, चाहे फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो या फिर शुक्ल पक्ष की। शुभ कार्यों के लिए इस तिथि को वर्जित ही माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही आती है। हर मास के 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। कहते हैं चतुर्दशी तिथि को ही चंद्र ग्रह का जन्म हुआ और साथ ही चतुर्दशी तिथि के दिन ही शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए चतुर्दशी तिथि के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन किया जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव का पूजन करके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को भगवान शिव का व्रत रखना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, इसीलिए मासिक शिवरात्रि के नाम से भी कृष्ण चतुर्दशी को माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तिथि को विशेष रूप से आप कड़ी मेहनत वाले कार्य कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यात्रा करने के लिए सर्वदा मना ही किया जाता है, वर्जित माना जाता है। कृष्ण चतुर्दशी पर विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति पाने के लिए खासकर इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहता है। जो भी किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से जूझ रहे हों, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन क्या करें क्या ना करें, तो ये समझकर जानकर आप कार्य करेंगे तो निश्चय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आपको विशेष लाभ दे सकती है। तो
शनिवार के दिन नववर्ष शुरू हो रहा है। जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रहा है, उन्हें इस दिन विशेष उपाय करने चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाएं, शनि देव पर सरसों का तेल अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथ ही शनि देव के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। स्क्रीन पर मंत्र दिया हुआ है और इस मंत्र के जाप के साथ अपने आपको पहले जो प्रार्थना बताई है उस प्रार्थना को अवश्य करें तो अगले 50 वर्षों तक शनि की साढ़े साथी किन किन राशियों पर आएगी अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी सूची आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अपनी राशि के अनुसार ज़रूर चेक करें कि आपकी राशि में साढ़े साथी कब है, कब से कब तक रहेगी। संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है ताकि नव वर्ष आप पर आपकी राशि पर भारी ना रहे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज की विशेष जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार विजिट किया है आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर से एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।